मंत्र आज विश्वकर्मा हरिभाव सिंह अब इसके बाद बैच वन के सारे लोग बाकी लोग अपनी सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी शुभकामनाएं सभी को मिले। बहुत धन्यवाद विवेक जी। इसके जो वर्क हो रहा है इसके प्रभारी श्री मुकेश मिश्रा जी और आपकी जो टीम है विवेक कुमार जी अनुराग जी है और सुशांत वर्मा जी है अरविंद वर्मा जो भी लोग लगे हैं आपकी मनोदशा इतना पॉजिटिव है आप इतना पॉजिटिव कारगर रहे आप ये लोग जो इजराइल जाने के लिए आपके टेस्ट दे रहे हैं इनको आप इतना कर्मठी बना के भेज रहे हैं 5 दिन की जो ट्रेनिंग है उसमें इंग्लिश भी सिखा दिया आप और इनके पास एक एनसीबीटी सर्टिफिकेट भी हो जा रही है जो एनएससी के द्वारा दी जा रही है ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम करेंगे आप कहीं भी लेके जाओगे तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपकी टीम की मनोदशा इसी तरह पार्टी सोच के साथ बनी रहे आप लोग ऐसा वर्क करें और जो श्रमिक आए हैं इनका भविष्य उज्ज्वल हो और जो इसके पहले भी गए थे अच्छा पैसा कमा रहे हैं 8-8 लाख 7-7 लाख रुपये घर भेज चुके हैं और कई लोग हमारे संज्ञान में हैं जानते भी हो तो आने वाले समय में आपको भी मौका मिले। अब देखो फाइनल टेस्ट हमारा नहीं है अभी फाइनल जाए ही लेंगे आप उसको फाइनल नहीं मान के चलिएगा कि आपको सर्टिफिकेट मिल गई तो आप जा ही रहे आप उनके सामने खड़ा उतरोगे तब आप जा पाओगे। बहुत ही जबरदस्त एक्यूरेसी में लोग चेक करते हैं टाइल्स में चाहे प्लास्टिक में उनकी बहुत ही एक्यूरेसी होती है तभी ऐसे लड़कों को ले जाते हैं। पिछली बार हम लोग लगभग 2500 लड़के आए थे तो लगभग 9000 उसमें गए थे तो आप ये मान के चलो सबको नहीं चाह 100% मिलेगा। अभी आपका काम पे आप लोग विजिट रहिए इंग्लिश वगैरह अपना सीखते रहिए जानते रहिए आपका नाम जो कुछ यहाँ बताया गया है उसी पर ज़्यादा फोकस करिए बाकी काम तो आपको आता ही है काम तो आप कर ही लेते हो अपना जो करना होगा वहाँ पर लेकिन वहाँ पे आपसे जो कहा जा रहा है वो चीज़ समझना भी आपको तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको जानना है क्योंकि वहाँ पे जो बोलेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे आपको क्या बता रहे हैं आप क्या करेंगे आप अच्छी है काम तो बहुत अच्छी तरह जानते हो लेकिन जो बता रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप काम नहीं कर पाओगे तो आप इसके लिए अपना इंग्लिश वगैरह पर फोकस करते रहिए और मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ आप सभी को चांस मिले यहाँ पे जो भी 24 अक्टूबर से यहाँ तक जो है सॉरी नवंबर से इजराइल की भर्ती स्टार्ट होगी उसमें जो लोग भी आप लोगों के बीच से आए कोई निराश न जाए मेरी ऐसी शुभकामनाएं है आप लोगों के लिए धन्यवाद। आपने सर अपने कीमती समय में से वक्त निकाला हम सभी के लिए आशीष आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पारिवारिक से आकर फिर मुख्य आप है
हाँ सारे अखबार में आएगा, सारे ही अखबार में आएगा। जिसका रिजल्ट नहीं आया है उसके पीछे दो कारण है, वो फेल है और इस वजह से उसका सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। दो बैचेस जिसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी, मतलब वो कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहे थे, उन बैचेस का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। इसीलिए तुमने सुना होगा कि एक दो नहीं, तीन था, चार था, पांच था, छह नहीं था। तो दो और छह बैच होंगे उनके सर्टिफिकेट अभी फुल नहीं, ठीक है ना? तो कॉल करके बता देगा।